हेलो, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक बार। और ये बात मैंने कभी नहीं बताई कि मैं वन प्लस की सोच का बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक्चुअल में इन लोगों को पता है कि कैसे मार्केटिंग करनी है, एक अच्छे लेवल की मार्केटिंग। और सच तो ये है कि आज के टाइम पे वन प्लस 5 और 5T वाले यूजर्स भी बहुत खुश है। तो इन शॉर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि वन प्लस ना ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एक परफेक्ट ब्रांड है अपने यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो। और 2019 आ चुका है यार, काफी हद तक सब कुछ ही लीक रहता है, कंपनियां कुछ ज्यादा छुपा नहीं पाती। और वन प्लस 7 भी काफी हद तक लीक हो चुका है। अगर मैं बात करूं वन प्लस 6 और 6T के बारे में, वो ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही प्रीमियम दिखते थे, नो डाउट। बट वन प्लस 7 तो बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव होने वाला है। अगर मैं कह रहा हूं कि वन प्लस 7 का लुक अट्रैक्टिव होगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि बैक पैनल ग्लास तो होगा ही, ऊपर से हमें बैक पैनल जो है ग्रेडियंट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। थोड़ी बहुत आप लोग को मैं लीक्ड इमेजेस दिखाता हूं, ब्लैक एंड येलो तो मेरा फेवरेट कलर लग रहा है, कुछ अलग ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है फोन को। और थोड़ा बहुत पर्पल ब्लैक भी आ सकता है, और मिरर ब्लैक तो 100% होगा ही होगा। और ये बहुत ही भड़कीला ब्लू भी दिया है इस बार, मेरे को ये कलर कुछ खास नहीं लग रहा, बट मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसे लग रहे हैं सारे कलर्स। मेरे को इसको देखने के बाद तो एक एक्साइटमेंट जग गई थी कि सच में यार वन प्लस जो अपने डिजाइन के ऊपर कुछ ज्यादा ही काम करता जा रहा है। और अगर इस टाइप के कलर आते हैं ना, तो सच में सैमसंग गैलेक्सी S10 और हुआवे P30 लाइट को कुछ ज्यादा ही बड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। बिलीव नहीं होता ये कंपनी जो है इतने कम प्राइस में इतना कुछ दे देती है, शायद इसलिए वन प्लस इतना ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आपको भी तक यार वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और लाइक भी करके जाना यार, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सेकंड बड़ी चीज ये है कि वन प्लस 7 में हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और आजकल जितना हम लोगों ने देखा है ओप्पो वीवो के जितने भी लेटेस्ट फोन आए हैं, और वीवो नेक्स्ट को भी देखते हुए चलूं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट फ्यूचरिस्टिक लुक देता है फोन को, और वन प्लस यही देख रहा होगा कि भाई लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अभी तक हर एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया है, तो आप मानकर चलोगे हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा 100% देखने को मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ना ही कोई नॉच होगी, ना ही कोई पंच होल कैमरा होगा। तो ये एक बेनिफिट है, और फोन को एक्चुअल में बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देने वाला है। और वन प्लस अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है हर एक नई सीरीज के साथ। अगर फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि बहुत ही स्लो थी वायरलेस चार्जिंग, और जो इनकी डैश चार्जिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट काम करती है, तो लोगों को कुछ खास नीड नहीं है इसकी। और हेडफोन जैक तो 100% नहीं आने वाला, क्योंकि वन प्लस 60 के टाइम से किल कर दिया गया है। बट अच्छी बात यह कि ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो डिजाइन के बारे में लास्ट में यही कहना चाहूंगा, H2S डिस्प्ले और ऊपर से ग्रेडियंट फिनिश वाला बैक पैनल, बहुत ही किलर लुक होने वाला है इस फोन का, ट्रस्ट में मैं तो अभी से इमेजिन कर सकता हूं। बट मेरी वन प्लस से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बार स्पीकर्स थोड़े से बेटर दे देना, हर बार आपके फोन के स्पीकर्स बहुत लो आउटपुट वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में, तो हमें इसमें 6.5 इंच के करीब करीब डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बड़ी ही डिस्प्ले होगी। पॉपअप सेल्फी कैमरा लगा लिया है, एज टू एज हो गई है, तो ऑटोमेटिकली बड़ा साइज हो जाएगा डिस्प्ले का। और हमें इसमें फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने मिलेगा, क्वाड HD की पॉसिबिलिटी है, बट जितना मैं वन प्लस को जानता हूँ वो सस्ते में कोशिश करता है कि बेस्ट टू बेस्ट चीजें लाकर दे, तो आप मानकर चलोगे फुल HD+ ही रहेगा। और लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। बाकी बता देता हूँ, जैसे कि इमेजेस में दिख रहा है इसके हेड और चिन बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा भी टेक नहीं आई है, हेड और चिन जरूर रहने वाला है इस डिस्प्ले के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना जब फोन आएगा, थोड़े बहुत बेजल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं कहूंगा परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमें इसमें फ्लैगशिप लेवल का स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलेगा, जो कि सच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लाकर देगा। और 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट रहने वाला है। और सीधी बात तो ऐसी है कि ऑक्सीजन OS मेरी फेवरेट UI है, क्या इंस्टेंट काम करती है, एनिमेशन इतनी परफेक्ट होती है, रैम मैनेजमेंट और ऐप लोडिंग टाइम तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमें इसमें बहुत ही कम लैग देखने को मिलते हैं, तो अगर किसी को सस्ते में बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो वो वन प्लस ही प्रोवाइड करवाता है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा भाई, बहुत कमाल परफॉर्मेंस रहने वाली है, और यहां पर हमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वन प्लस 5 और 5T वाले यूजर्स भी खुश आज तक, तो ये फोन बहुत ही फ्यूचर प्रूफ होते हैं। और एक और बात बता देता हूं कि मतलब फोन जब लॉन्च होगा, उसके बाद ये एक और एडिशन लॉन्च करेंगे, जैसे कि वन प्लस 60 का मैकलेरन करा था, जिसमें 10GB रैम थी, तो हो सकता है कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा रैम वाला फोन चाहिए हो, तो थोड़ा बहुत वेट करके ही फोन को खरीदना। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा, नंबर ऑफ कैमरास बढ़ गए हैं, और वन प्लस 7 में हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे बैक साइड में, जिसमें से 12+20+16 मेगापिक्सल का रहने वाला है, और 12 मेगापिक्सल वाला जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। और कितनी अजीब सी बात है कि एकदम से अल्ट्रा वाइड कैमरास कितने ज्यादा पॉपुलर हो गए, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी किसको नहीं पसंद। और अगर मैं बात करूं वन प्लस की इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, तो यार मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, बट वन प्लस 60 में मेरे को शिकायत ये थी कि उसमें ना थोड़ी बहुत रेडिश स्किन टोन आती है, मतलब रेड रेड स्किन रहती है। तो होपफुली वन प्लस 7 के साथ ये चीज फिक्स हो जाए,
और अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया पॉपअप कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का कह रही है, काफी हद तक लीक्स यही आ रही है 32 मेगापिक्सल के साथ बहुत ही शार्प सेल्फी आएगी। बट मैं एक डाउट है मेरे मन में, जितने भी हमने आज तक पॉपअप सेल्फी वाले कैमरे फोन यूज किए हैं तो उनकी कैमरा यूआई के अंदर बहुत सारे लैग देखने को मिलते हैं, तो होपफुली इसके OnePlus जो है इस चीज के ऊपर काम करे और लैग ना देखने को मिले। अब बात करते हैं OnePlus 7 के बैटरी के बारे में, और जितना मैं OnePlus को जानता हूं ये लोग फिर से 3700 mAh की बैटरी देंगे OnePlus 6T की तरह, तो आप बिल्कुल मानकर चल सकते हो कि OnePlus 7 में 3700 mAh की ही बैटरी देखने को मिलेगी। और ऊपर से जो इनकी डैश चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट काम करती है, तो भाई उसमें कोई लोगों को कुछ खास शिकायत होती नहीं है, चाहे छोटी बैटरी लगा दो या बड़ी लगा दो। और ऊपर से जो ऑक्सीजन OS है उसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही कमाल की है, तो लोगों को कुछ खास दिक्कत नहीं होती, तो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप में आप लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होने वाली। और कुछ लीक्स का तो ये भी कहना है कि जो इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो और रिफ्रेश होकर आएगी, तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये फोन सच में हर एक रिस्पेक्ट में बहुत ही कमाल रहने वाला है। और नेक्स्ट मैं कहूंगा बहुत ही जल्दी OnePlus 7 आने वाला है, और अगर मैं OnePlus की हिस्ट्री निकाल कर देखूं तो क्या ये फोन जो है अपने 7, 6, 5 वाली सीरीज को मई में लॉन्च करते हैं या फिर जून में लॉन्च करते हैं, और पिछली दो बारी से ही लोग जो है मई में ही लॉन्च कर रहे हैं, तो आप 100% मानकर चलो कि अगले महीने, अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने मई में OnePlus 7 आप लोग के सामने होगा और ये फोन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इसके कंपटीशन में ऑब्वियसली OnePlus 6Z आएगा, मेरे को लगता नहीं कि वो इतना अच्छे से कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि OnePlus 7 ने लिटरली मतलब हर एक दम लगा लिया अपना कि फोन को बेस्ट टू बेस्ट देना है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है इसका रियल कंपटीशन गैलेक्सी S10 या फिर Huawei P30 रहने वाला है। कुछ भी कहो OnePlus जो है इस बार किल कर रहेगा हर किसी को, और आज से पहले अगर पॉपुलर थे OnePlus 6 डिवाइसेस तो OnePlus 7 तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर रहने वाला है, क्योंकि लुक इतनी अच्छी बना दी है फोन की और टॉप स्पेसिफिकेशन तो ये देते ही देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो क्योंकि फोन मई में तो लॉन्च हो ही रहा है, और आप लोग को मैं अपडेट रखूंगा, तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा सब्सक्राइब कर लो अभी से। यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है, नीचे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना यार कि आप किस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो, बट मैं ये कह सकता हूं कि OnePlus 7 सच में बहुत ज्यादा कमाल का फोन होने वाला है और गैलेक्सी S10 और Huawei P30 को बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन देने वाला है, और जितना मेरे को लगता है OnePlus 7 फिर से बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि कंपनी हमेशा की तरह सुनती है और इनके फैंस है। और यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है, प्लीज यार लाइक कर जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।